इस गुफा में आज भी मौजूद है भगवान गणेश का कटा हुआ सर। यहीं छुपा है कलयुग के अंत का रहस्य। नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य, चाहे वह शादी हो या कोई और शुभ काम, गणेश जी का पूजा के बिना शुरू नहीं हो पाता। भगवान गणेश को गजानन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका सिर हाथी का है जबकि शरीर एक इंसान की तरह। अब यह तो आप जानते ही होंगे कि गणेश की सिर कटने के बाद उन्हें हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन क्या आपको यह पता है कि गणेश जी का असली मस्तक आखिर गया कहाँ? आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश का असली सिर आज भी एक गुफा में मौजूद है। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। मान्यता है कि कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। वहीं यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से मात्र 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि गणेश जी के इस कटे हुए सिर की रक्षा खुद भगवान शिव किया करते हैं। इस गुफा में भगवान गणेश से कटे हुए शिलारूपी मूर्ति को ठीक 108 पंखुड़ियों वाला स्वाष्टक दल ब्रह्मा कमल के रूप में एक चट्टान है। इस ब्रह्मा कमल से भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख पर गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि ब्रह्मा कमल भगवान शिव ने ही यहाँ पे स्थापित किया था। वहीं एक दूसरी मान्यता है कि इस गुफा के चारों ओर युगों के प्रतीक रूप में चार पत्थर स्थापित किए हैं। कहा जाता है कि इनमें से एक पत्थर, जिसे कलयुग का प्रतीक भी माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। माना जाता है कि जिस दिन यह कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत निश्चित है। वहीं इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और बाबा अमरनाथ के भी दर्शन